हेलो फ्रेंड्स, आप सबका दोबारा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आ रहा हूँ जो कि आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस से संबंधित है और गाड़ी की रख रखाव में आपको हेल्प करेगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक कहावत शेयर करना चाहता हूँ जिसके अंदर ये कहा गया है कि जैसा पानी आप पीना चाहते हैं वैसा ही अपने पशु को, यानी जो आपके मवेशी हैं, पालतू जानवर, उनको और अपनी गाड़ी को पिलाइए। जैसा खाना आप खाना चाहते हैं वैसा ही खाना आप अपने पशु को और अपनी गाड़ी को दीजिए। इसका मतलब क्या है कि यदि आपको शुद्ध पानी चाहिए, इंसान को साफ पानी चाहिए, वैसा ही अपने जानवर को पिलाइए। आप गंदा पानी पियेंगे तो आप बीमार होंगे, गंदा पानी यदि जानवर पिएगा तो वो भी बीमार होगा, और ऐसे ही गंदा पानी यदि गंदी लिक्विड कुछ भी अपनी गाड़ी को डालेंगे, अशुद्ध डालेंगे, तो वो भी ख़राब होगी। ऐसे यदि आप शुद्ध खाना खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, शुद्ध खाना खाएगा तो आपका पशु स्वस्थ रहेगा। और क्योंकि गाड़ी भी आपके लिए कमाने का साधन है, आपका रोज़गार है, तो उसको भी आप शुद्ध डीजल या इंजन ऑयल या एयर फिल्टर उसमें डालिए, अच्छी क्वालिटी का डालिए, ताकि वो उसका जो मेंटेनेंस है वो कम आए, रख रखाव अच्छा हो, पुर्जों की सावट कम। आप सामने ये जो कैंस रखे हैं उनको देख के समझ गए होंगे कि मैं लुब्रिकेंट की बात कर रहा हूँ। लुब्रिकेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है गाड़ी की को लुब्रिकेट करने के लिए, उसके इंटरनल पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए। आप बोलेंगे मार्केट में बहुत सारे पार्ट्स वगैरह, बहुत सारे लुब्रिकेंट्स वगैरह ऐसे अवेलेबल हैं जो कि सस्ते दाम पे मिल जाते हैं, कहीं भी इजीली अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है पर वो सब कुछ आपके काम का नहीं है। एक आदमी का को जो शर्ट है, वो कमीज़ है, वो डबल एक्सल आती है, और एक आदमी को एक्सल आती है, और एक आदमी को मीडियम आती है, और एक को शॉर्ट आती है। क्या वो सबके लिए कॉमन है? नहीं है। ऐसे ही गाड़ी के अंदर है। गाड़ी के अंदर जो इंजन ऑयल होते हैं, ये इंजन की परफॉर्मेंस के हिसाब से, इंजन की चलने की ताकत, उसकी स्पीड और इंजन किस टेम्परेचर पे काम कर रहा है उसके हिसाब से इनको डिज़ाइन किया जाता है। मैं अभी बात करूँ, आपके सामने ये कैन है जिसके अंदर की डीजल गाड़ी के बारे में लिखा है और पियाजो द्वारा डिज़ाइन किया गया है ये गल्फ के साथ मिलके। गल्फ एक बहुत रेनाउंड ब्रांड है और बहुत सारे महिंद्रा, टाटा, अशोक लेलैंड और बहुत सारी अच्छे ब्रांड्स के लिए लुब्रिकेंट बनाता है और वो पियाजो के लिए भी बनाता है। अब ये ऐसा नहीं है कि गल्फ को हमने बोला कि पियाजो ने कहा कि आप ये लुब्रिकेंट हमें दीजिए और हम मार्केट में उसको अपने नाम से देंगे, ऐसा नहीं होता। हमारी जो डीजल गाड़ी है उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उसमें जो स्पीड है, RPM है, उसमें जो चलने की स्पीड है, गति है, उसके हिसाब से इंजन ऑयल को डिज़ाइन किया जाता है। ऐसे ही CNG गाड़ी है, CNG गाड़ी के अंदर भी जो उसका टेम्परेचर है, उसके जो RPMs हैं, उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन करके बनाया जाता है। अभी आप यदि कोई भी लोकल लुब्रिकेंट मार्केट से उठाते हैं या उसको डालते हैं, वो हो सकता है आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, बट वो आपको मेंटेनेंस के अंदर इतना नुकसान पहुंचाएगा कि जितना बचाएंगे नहीं उससे 10 गुना ज़्यादा आपको गाड़ी की मेंटेनेंस में देना पड़ेगा। इसके अलावा जो गाड़ी आपकी ख़राब होगी उसके पुर्जे घिस जाएंगे, उसकी जो आपका रोज़गार को नुकसान होगा वो अलग होगा, प्लस जैसा मैंने पहले बताया कि आपको जो रिपेयर कॉस्ट है वो भी देनी पड़ेगी। पियाजो एक ब्रांड है, एक मार्केट के अंदर एक इसका नाम है। ये जो ऑयल के बड़े बड़े कैन आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे कैन दिखाई दे रहे हैं, ये कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से बनाए गए हैं। जैसे ये डीजल का अभी कैन है, ये 3 लीटर का है, ये एक बार के अंदर इंजन ऑयल और गियर ऑयल के लिए। देखिए, आपकी लाइफ इंजन एंड गियर बॉक्स ऑयल 3 व्हीलर डीजल, ये गियर बॉक्स और इंजन ऑयल के लिए कॉमन एक आपका कंटेनर है। और ये देखिए, इसकी जो लाइफ है वो 10,000 किलोमीटर तक चलने वाला है। तो 10,000 किलोमीटर चलने वाला लुब्रिकेंट जो आपका साथ देगा, वो उस टाइप का हाई क्वालिटी लुब्रिकेंट गाड़ी के लिए डिज़ाइन किया गया, बनाया गया। वहीं जो सस्ता लुब्रिकेंट है वो हो सकता है कॉस्ट में से थोड़ा सा कम हो, बट वो हो सकता है 1500 किलोमीटर भी ना चले, 1000 किलोमीटर या 2000-3000 ज़्यादा ना चले। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे लुब्रिकेंट वेपराइज होकर ख़त्म होगा, उसकी जो विस्कोसिटी और जो उसका चिकनाहट है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो गाड़ी के पार्ट्स हैं वो घिसने शुरू हो जाएंगे, और जो इंजन को 2 लाख 1.5 लाख किलोमीटर चलना चाहिए या 1 लाख किलोमीटर पर चलना चाहिए, अच्छा माइलेज देना चाहिए, वो 10-20 हज़ार किलोमीटर पर आके ओवरऑलिंग मांगने लगेगा। ऐसे ही अभी हम देखेंगे CNG के लिए भी हमने बनाया, 2 लीटर का कंटेनर है, ये सामने आपके 2 लीटर का कंटेनर लिखा हुआ है, CNG गाड़ी के लिए, पेट्रोल एंड गैस दोनों इंजन के लिए यूज़ होता है। फिर ये जो छोटे कंटेनर दिए गए हैं टॉपअप के लिए दिए गए हैं,
यदि आपको 2 लीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको टॉप अप करना है एमरजेंसी के लिए, आप अपने साथ ये 500 मिलीलीटर यानी कि आधा की बोतल रख सकते हैं। और साथ में ये डीजल के लिए भी आपको इस पर बकायदा लिखा है BS6 और ये आपको 1 लीटर का कंटेनर दिया गया। सस्ता थोड़े समय के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन सस्ता लंबे समय के लिए अच्छा नहीं होता है। अब मार्केट में ये जो लुब्रिकेंट मिलते हैं, ये प्याजू की डीलरशिप पे मिलते हैं, अथॉराइज डीलरशिप पे आपको मिलेंगे, प्याजू की ब्रांडिंग है इसके ऊपर बकायदा। और आप इसके पीछे देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बकायदा प्याजू की पूरी ब्रांडिंग और सब कुछ दिया गया है, कॉस्ट दी गई है, कितनी क्वांटिटी वो दी गई है। ऐसे ही आप देखेंगे छोटे कंटेनर के ऊपर भी पीछे की तरफ ये सारी मात्रा, क्वांटिटी, रेट, मैन्युफैक्चरिंग कब की है और कब तक ये चलने वाला है, इसके अलावा ब्रांडिंग है। मार्केट से लुब्रिकेंट, लोकल लुब्रिकेंट लेने का एक नुकसान हो रहा है कि मार्केट में डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा होती है। डुप्लीकेट जो ऑयल है वो आप समझ सकते हैं किसी भी हालत के अंदर वो ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। जैसे एक लोकल पार्ट, डुप्लीकेट पार्ट की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है। एक केबल 100 रुपये की है और आपको मार्केट से वो 70-80 रुपये खरीदते हैं, आपने 20 रुपये या 30 रुपये बचाए, लेकिन वो केबल आपको कम से कम जो ओरिजिनल केबल के मुकाबले या पार्ट के मुकाबले आपको 3 बार बदलना पड़ जाएगा। तो आपको 100 रुपये एक बार महंगा लगा, लेकिन आपने उसी केबल को 3 बार बदला तो वही 80 रुपये केबल 240 का पड़ गया, आपको क्या फ़ायदा हुआ? प्लस जो आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, वो अलग होगी। मेरा ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य और आप लोगों को एजुकेट करने का उद्देश्य है कि हमेशा जेन्युइन ऑयल, ओरिजिन ऑयल यूज़ कीजिए। ये वही ऑयल है जो पियाजियो के अंदर फैक्ट्री से गाड़ी में डल के आता है और वही हम ओरिजिन ऑयल आपको यहाँ फील्ड में उपलब्ध करवाते हैं ताकि आपकी गाड़ी अच्छी चले। ऑयल का रोल इंजन के अंदर और जितने भी घूमने वाले पार्ट हैं, जहाँ पे गर्मी है, जहाँ पे घिसावट है, जहाँ पे फ्रिक्शन है, जहाँ पे मूवमेंट है, एंगेजमेंट है, जैसे कि इंजन है, क्रैंकशाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड है, बैरल है, हेड है, वेल्व हैं, टैपेट है, रॉकर है, इसके अलावा गियर बॉक्स में गियर्स हैं, शिफ्टर है, कंट्रोलर है, स्टेम शाफ्ट है, ये सब घूमने वाले और घिसने वाले पार्ट हैं, एक दूसरे मिलकर चलते हैं। इनको जब तक एक अच्छा लुब्रिकेंट नहीं मिलेगा तब तक आप वो पार्ट अच्छे से काम नहीं करेंगे और आप एक समय ऐसा आएगा कि वो पार्ट सब घिस जाएंगे। आप अपने हाथों को भी 2 मिनट के लिए आप रगड़ के देखिए, आपस में आप हथेली से हथेली मल के देखिए, तो मुश्किल से आप 20 सेकंड से ज़्यादा रगड़ नहीं पाएंगे अपनी हथेलियों को, क्योंकि उनमें फ्रिक्शन होता है और गर्म हो जाती है। लेकिन वहीं पर एक यदि अच्छा ऑयल है, आप कोई भी ऑयल क्रीम लगा के करेंगे तो आपका समय बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा समय तक मतलब उस हीट को ऑब्जर्व कर पाएंगे और आप हथेलियाँ रगड़ सकते हैं। कई बार सर्दियों में देखा होगा आपने, हम अपने हाथों को गर्म करने के लिए आपस में रगड़ते हैं। ऐसे ही इंजन के जो पार्ट्स हैं वो अंदर घूमते हैं, रोटेट होते हैं और एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन होता है तो वो गर्म होते हैं। उस टेम्परेचर को, वो किस लेवल तक जाने वाले हैं, उसके हिसाब से इस इन ऑयल्स को डिज़ाइन किया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैं जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ ये आपको समझ आएगी और अच्छी लगेगी। और आप पियाजो के जो ओरिजिनल जो डिज़ाइन किए गए पियाजो की गाड़ी के लिए जो लुब्रिकेंट्स तैयार किए गए हैं, उसमें आप उसका यूज़ करेंगे और अपनी गाड़ी को की लाइफ आपके बढ़ाएंगे। दूसरा, पियाजो की डीलरशिप से या अथॉराइज सर्विस सेंटर से ही ऑयल खरीदेंगे, गल्फ़ ब्रांड का है, गल्फ़ ध्यान से देखिए, डीजल के लिए भी गल्फ़, पेट्रोल के लिए, CNG के लिए गल्फ़ और ये टॉप अप। इसके अलावा इसके अंदर कूलेंट, ब्रेक ऑयल सब कुछ आता है, आप इसी को यूज़ कीजिए। मार्केट से नकली तेल खरीदने से बचिए, वो सस्ते के लालच के अंदर आप 100-150 रुपये बचाएंगे लेकिन लंबे समय में देखेंगे तो आपको बहुत नुकसान करता है। आज की डेट में एक इंजन ओवरहॉलिंग की कॉस्ट के अलावा या गियर बॉक्स की ओवरहॉलिंग कॉस्ट के अलावा जो गाड़ी आपकी ऑफ रोड खड़ी है कई समय तक, कई दिन तक या 2 दिन तक, 1 दिन तक, 1 दिन का भी आपका नुकसान है, तो सोचिए आपकी 1 दिन की आपकी जो कमाई है वो चली जाती है, साथ ही साथ जो आपको खर्चा करना पड़ेगा वो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो जानकारी देने की कोशिश करी आपको ये आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप अपनी गाड़ी की लाइफ के लिए पियाजो का जो जेन्युइन ऑयल है जो कि गल्फ ब्रांड का है, इसका आप यूज़ कीजिए। ये ऑयल डालने के बाद
आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, लाइफ है, वो पहले से बेहतर होगी। धन्यवाद दोस्तों।